चलिए अब वक्त हो गया है भसीन के बेहतरीन शेयर जानने का। भसीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आज कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका, कल कल का भी बता दूं आपको भी, जी डिम्पी को और अजय को भी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग अच्छी लग रही है और ऐसे ही रहेगी, दो तीन दिन की बात है, घबराहट मत देखिए। अब सोमवार से शुक्रवार से आपके ऐसी मुस्कुराहट आएगी कि आप देख चमकते रहेंगे और इन्वेस्टर भी चमकेंगे जो ये फियर खरीदेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम टू मेक मनी। तो मैं आपको कल का भी बता दूं, फेडरल बैंक, IEX, मदरसन सुमी, बंधन बैंक और LIC हाउसिंग, ये दो दिन से मैं सजेस्ट कर रहा था, आज देखिए भाव। सी, पावर इज गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज एवर फॉर द पावर प्रोड्यूसर्स एंड द एक्सचेंजेस। IEX कैन गो टू 265 विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आईलिड। मैंने उनके, आप उनसे बात कीजिए तो बताएंगे, कल रिजल्ट्स हैं, दे आर अ क्वाइट पीरियड बट दे आर डूइंग एक्सेलेंट। तो IEX मैंने 218 और 220 पे कल आपको कहा था, बने रहिए, 26 का भाव है, 265 पे जाएगा इन द ऑन फ्राइडे। दूसरा आपको फेडरल बैंक कहा था, वो आप बने रहिए, 102 का टारगेट। और मदरसन सुमी पर रीइटरेट करता हूं, 135-136 और लीजिए, बिकॉज मदरसन सुमी इज हेडेड टू 175 इन द मंथ ऑफ मे। मारुति हो या हीरो होंडा हो या कोई भी व्हीकल हो, मदरसन सुमी इज पार्ट ऑफ दैट एंड इन यूरोप दे आर डूइंग एक्सलेंट बिजनेस। तो मदरसन सुमी इज अ टॉप पिक। अब आपके लिए दो और पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं सिंह जी। देखिए पावर प्रोड्यूसर में जो इंडेक्स को खींचेगा वो है NTPC, 10,000 मेगावाट है और NTPC इज सीइंग द बेस्ट बिजनेस, रोबस्ट डिमांड एंड रिसीवेबल्स आर एट द हाईएस्ट। तो 153 का स्टॉप लॉस है, 168 का टारगेट, बाय इट एट 157। सेकंड पिक इज HCL टेक, आई थिंक 1080 इज अ वेरी वेरी गुड लेवल। HCL टेक नंबर्स वर फार अहेड ऑफ द स्ट्रीट, मुझे 1150 दिखता है, 1060 का स्टॉप लॉस। और आपको मदरसन सुमी मैंने रीइटरेट कर दिया, कीप इट इफ यू हैव इट, बाय इट मोर, 175 इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। ऑलराइट भसीन जी, कल आपने जैसा से बोला भी था कि शायद इस वीक थोड़ी सी चौपिनेस बाजार में रह सकती है, तो आज ये बाउंस बैक का ट्रेड है तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए और फिर से एक बार एक टाइट रेंज में बाजार नीचे की तरफ फिसल सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? आई नो आप बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं लाइक बंधन बैंक, फेडरल बैंक, CUB, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप्स लाइक मिड कैप, लार्ज कैप्स लाइक HDFC और आज सो इंडसइंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोटक, एक्सिस, यहां पर क्या व्यू रहेगा लार्ज कैप बैंक्स पर? पहले तो प्रियंका जी आपको खुश कर दूं, आज रिलायंस 1.5% ऊपर है, कल आप कह रहे थे रिलायंस नहीं चल रहा, जो शेयर 15% चल गया एक हफ्ते में, उस पे आके मंदी बोलना इज आई डोंट नो क्या बोलूं उसे मैं, फूलिशनेस कहूं या फूल हार्डी कहूं। तो रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगेन और कोई दो राय नहीं, ICICI, एक्सिस, HDFC, द करेक्शन इज ओवर, दीज लार्ज कैप बैंक्स आर गेटिंग मोर शेयर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज रोबस्ट। सो एवरी डे इफ वी क्लाउड आवरसेल्व्स इन व्हाट्स हैपनिंग इन बॉन्ड यील्ड्स, वी विल बी इन अ फिक्स, यू विल नेवर बी एबल टू बाय गुड स्टॉक। और मैं बता दूं, बॉन्ड यील्ड्स आर प्राइसिंग इन द वर्स्ट, बिकॉज इफ ऑयल एंड कमोडिटी सेल ऑफ, ऑटोमेटिकली वहां पे 50 basis points बिकम्स कैप, बिकॉज everyone इज लुकिंग फॉर अ नंबर। तो नंबर बताना, रोज फोरकास्ट करना बहुत आसान है, बट जब एक्चुअल आएगा तब आपको दिखेगा। तो बैंक्स आर अ प्रॉक्सी टू ग्रोथ और प्रियंका जी बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर मैं यहां तक कह दूं, निफ्टी 18.5 जाएगा तो बैंक निफ्टी 40,000 जाएगा उससे पहले। भसीन जी हम तो आपकी बात मान रहे हैं, मैंने रिलायंस पर नजर भी डाली थी पर मुझे याद था आपका वो व्यू भी कि शायद थोड़ा सा गियर अप भी रखना चाहिए एक रेंज में ट्रेड करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज लाइक दैट। थैंक यू सो मच संजीव जी आज समय देने के लिए, अपनी पिक्स शेयर करने के लिए, एज यूजुअल आपके सुपर पिक्स और साथ ही अपना कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन कॉल्स फिर से एक बार संजीव भसीन जी देते हुए हमें। अजय जी, हाँ।